और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ के तिल्दा थाना क्षेत्र में एक चाकूबाजी का मामला सामने आया है। दरअसल दो दोस्तों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुरानी रंजिश के चलते हेम कुमार साहू ने कैलाश निषाद को अपने पास रखे बटनदार चाकू से 3 बार पैर और जांघ पर वार करके घायल कर दिया, जिससे युवक लहूलुहान हो गया। कैलाश निषाद का उपचार CSC तिल्दा में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी हेम कुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी हेम कुमार साहू को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। हाँ, कैलाश कुमार निषाद और हेम कुमार साहू दोनों आपस में दोस्त थे। किसी बात को लेकर, पुरानी रंजिश की बात को लेकर के दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ। विवाद होने के पश्चात में आरोपी हेम कुमार साहू ने अपने पास रखे बटनदार चाकू से अपने दोस्त को उसके पैर और अंजाम पे चोट पहुँचाया है। चोट पहुँचाने के बाद उसकी रिपोर्ट पर से थाना तिल्दा नेवरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसका अपराधी का डॉक्टरी मुलाजा कराया गया। मुलाजा कराने के पश्चात आरोपी को 27 साल से 294 के तहत उसको आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।